गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की आपकी हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 81, जिसकी तिथि 3 फरवरी 2021 रहेगी। आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम अपना वही पढ़ेंगे, माटी वाली। तो देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था और वह घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े से मोड़ों को हड़बड़ी के में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह अब एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। आगे देखो बच्चों, ये सद्दावासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। देखिए कितनी लाचार है माटी वाली कि उसको मालकिन ने जो दिया वह चाय के साथ उसी को निगल रही है। मजबूरी में बच्चों हमारे से जो हमारी पेट की भूख होती है वह हमें कोई भी काम कराने के लिए मजबूर कर देती है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने में से एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। तो वो मालकिन पूछ रही है कि जब तुझे भूख लग रही है तो भूख में तो कोई भी चीज़ जो कड़वी चीज़ होती है वो भी हमें मीठे पकवान लगते हैं। तो वो यही कह रही है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो बच्चों देखो, मजबूरी में किस तरह से माटी वाली जो है किस तरह से जो कई दिन पुराना बासी साग था उसको भी कितने स्वादिष्ट तरीके से खा रही है। तो इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा? तो बच्चों बताइए, हमने अभी पढ़ा है चाय को। किसको कहा? चाय को, क्योंकि मालकिन ने उसको क्या दिया था? गर्म चाय तो दी थी ना, तो इसलिए। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? देखो बच्चों, मैंने आंसर आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं, आप बस अपनी कॉपी पेन से लेकर आइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य में ज़्यादा सोचने का वक्त क्यों नहीं था? इसका उत्तर आप लिखोगे कि माटी वाली गांव में एकमात्र महिला थी जो घर घर लाल मिट्टी पहुंचाती थी। वह सुबह निकलकर देर रात घर वापस आती थी। इस बीच उसको इतना वक्त नहीं मिलता था कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोच सके। आप ये आंसर लिखेंगे इसका। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है आप लोगों के लिए। मालकिन के घर अंदर जाते ही माटी वाली ने क्या किया? ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दिखाता है? इसका आंसर बच्चों आप लोग लिखोगे कि माटी वाली ने यह देखकर कि उसे कोई देख तो नहीं रहा, उसने अपने हाथ में से दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी और मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। ऐसा करना पेट की भूख की मजबूरी को दर्शाता है। ऐसा ही तो किया था उसने, दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा था, उस पर कपड़े में बांधकर गांठ बांध दी थी, है ना। भूख मीठी की भोजन मीठा से हमारा क्या अभिप्राय है? इस कथन से यह अभिप्राय है कि जब व्यक्ति को भूख लगती है तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट और मीठा लगता है। ये आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि माटी वाली एक बूढ़ी औरत थी जो टिहरी गांव में जाकर घर घर लाल मिट्टी पहुँचाती थी। वह बहुत मेहनती और परिश्रमी थी और अपनी गरीबी के लिए अपने भाग्य को दोषी नहीं ठहराती थी। वह ठाकुर की जमीन पर
झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था। उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। तो बच्चों, ये आप पूरा आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का, प्रश्न नंबर 5 का, प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का। यदि आप मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाली के साथ कैसा व्यवहार करते? बोलो बच्चों, यदि मैं मालकिन की जगह होता या होती तो मैं माटी वाली के साथ प्रेम पूर्वक सज्जनता का व्यवहार करता, है ना, क्योंकि अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और उसकी इस तरह और उसकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश मैं करता। देखिए बच्चों, मैंने 5-6 प्रश्न थे इसमें आपकी कार्य पत्रक में, मैंने 6 के उत्तर आपको दे दिए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। और बच्चों, आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे दिए हुए आंसर, तो बच्चों आप जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो आसानी से पहुँच सके। थैंक यू बच्चों।